इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2023 है बहुत खास। इंडिया की जीत क्रिकेट जगत में बनाएगी सबसे बड़ा इतिहास। वर्ल्ड कप 2023 में एक भी मैच नहीं हारा है इंडिया। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया दर्ज कराएगा अपना नाम। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वर्ल्ड कप 2023 गुजरात के अहमदाबाद शहर में मौजूद मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जो कई मायनों में इंडिया के लिए बहुत खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रिकेट जगत में वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया तीसरा ऐसा देश बनेगा जो वर्ल्ड कप बिना कोई मैच हारे हुए जीतेगा। दुनिया में फुटबॉल के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्रिकेट के वर्ल्ड कप का आयोजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने साल 1975 जून महीने में इंग्लैंड में शुरू किया था। इस वर्ल्ड कप में पहली जीत वेस्टइंडीज ने दर्ज कराई थी, वो भी बिना कोई मैच हारे। दूसरे वर्ल्ड कप में भी वेस्टइंडीज ने अपनी शानदार जीत को दोहराते हुए बिना कोई मैच हारे फिर से वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया। वेस्टइंडीज टीम में 1975 वर्ल्ड कप के हीरो क्लाइव लॉयड और 1979 के मैन ऑफ द मैच विवियन रिचर्ड बने। अब आया साल 2003। क्रिकेट जगत में नए खिलाड़ियों का दौर शुरू हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम ने वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिना कोई मैच हारे 2003 के वर्ल्ड कप में कब्जा जमाया। 2003 वर्ल्ड कप में जीत दिलाने के लिए रिकी पॉन्टिंग के सिर सेहरा बंधा, तो वहीं 2007 के वर्ल्ड कप में एडम क्रेग गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को शानदार जीत दिलाते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। ये दोनों वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई मैच हारे हुए जीता था। अब आया साल 1983। भारत ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कपिल देव की कप्तानी में तीसरे वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज कराकर पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि क्रिकेट में भारत किसी से पीछे नहीं। जीत का ये सिलसिला जारी रखते हुए T20 का वर्ल्ड कप सितंबर 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में जीतकर भारत की झोली में डाल दिया। फिर चार साल बाद फरवरी 2011 से अप्रैल 2011 में दूसरी बार महेंद्र सिंह की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतकर भारत आया। आज यानी 19 नवंबर 2023 को इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो ये तीसरी बार होगा जब कोई टीम बिना मैच हारे वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगी। आज के मैच में भारत के धुरंधर बैट्समैन कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभम गिल और सेमीफाइनल के हीरो मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी पर सभी भारतीयों की निगाहें टिकी हुई है। आपको हमारी खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook के माध्यम से जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।